हेलो डियर, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी का गेस्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि सीधे आपके एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, हमारा पता ये है, आप यहां पर नया बैच क्लास टेंथ और ट्वेल्थ का दोनों जगह चालू है, ये तीनों पतों पर आप आ सकते हैं। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, 73 72 526 पर कॉल भी कर सकते हैं, या फिर दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया 70 33 059 138। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में क्लास टेंथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी का गेस्ट क्वेश्चन को दिखाते हैं, जो कि यही सब क्वेश्चन रहने वाला है। बिल्कुल क्वेश्चन सबको केवल क्वेश्चन बताते हैं, आपका आंसर के पास सबका सब गाइड में उपलब्ध है। अगर आपके पास टारगेट गाइड है तो आपको सारा क्वेश्चन वहाँ मिलेगा इसका आंसर। तो फटाफट इसका पूरा वीडियो अपलोड करिएगा और इसमें बता दें कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं और जो कल आएंगे क्वेश्चन, यानी कि कल यानी कि 22 तारीख को। ठीक है, हिंदी क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन ये रहता है कि लेखक किस वर्ण की किस विडंबना की बात करते हैं, भी क्वेश्चन आपका गाइड में। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष एवं प्रमुख कारण कैसे बनी हुई, दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबको याद कर लीजिएगा। तीसरा है कि नाखून बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य क्या दे रहे थे, भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन है कि मनुष्य 12 नाखून क्यों कटता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टोटल है। क्वेश्चन है अगला हम लोगों का कि लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका लेखक वास्तविक इतिहास किससे मानता है, ये छठा क्वेश्चन। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं समझाएंगे आपको, बहुत कम क्वेश्चन से आपको भेंट करने वाले हैं, जो कि सीधा एग्जाम लड़ने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि सच्चे भाव दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है कि लेखक खोखा किन मामलों में अपवाद था, ये आपका 8वां क्वेश्चन हो गया। अगला 9वां क्वेश्चन है कि लेखक ने नया सिग्नल किसे कहा है और क्यों, और यह कहाँ तक उचित है, इसके 9वां क्वेश्चन लोग हो गया। 10वां क्वेश्चन है कि स्वाधीनता शब्द की सार्थकता स्पष्ट करें, ये भी 10वां क्वेश्चन हो गया। 11वां क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहार कौन थे, गुर्जर प्रतिहार कौन थे और नंदी नगरी किससे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर अपने ही घर से क्यों भाग गया था, ये 12वां क्वेश्चन हो गया। ज़्यादा नहीं, 30 क्वेश्चन कराएंगे, 30 आप लोग याद कर लीजिएगा, आपका 30 में सब पूरा आएगा। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर अपने ही घर से क्यों भाग गया था। अगला है कि बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट बहुत क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि परंपरा का मूल्यांकन के लिए सबसे आवश्यक क्या है और क्यों, ये आपका होगा 14वां क्वेश्चन। और PDF डाउनलोड करना चाहते हैं टेलीग्राम पर चल जाइए, हर विषय का आपको PDF मिलेगा वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर अपने ही घर से क्यों भाग गया था, ये भी क्वेश्चन वही क्वेश्चन था हालांकि पिछला क्वेश्चन। बहादुर कहानी के सारांश लिखे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, ये सब के सब क्वेश्चन है। डुमराव की महत्ता किससे है। अगला है कि सुशीर बाधे किसे कहते हैं। अगला है कि गांधी जी के बढ़िया शिक्षक किसे कहते हैं, 20वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जगह किससे मानते हैं और क्यों। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज क्या संबंध था, ये आपका क्वेश्चन हो गया 22 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 20 ग्रंथ कहानी का सारांश लिखना है। अगला क्वेश्चन अभिनव क्या है और कहाँ अवस्थित है, यही में से देखो आपको 24 क्वेश्चन कराए। और लास्ट शत्रुज क्या है, लास्ट शत्रुज क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये से कर लेना है। उसका देवनागरी लिपि के अक्षर में स्थिरता कैसे आई, ये भी क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है कि सफलता और चरितार्थ में लेखक का अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिक्रियावादी है, 28वां क्वेश्चन है। अगला 29वां क्वेश्चन क्या है कि बिरजू महाराज के पिता रामपुर नवाब के यहाँ नौकरी के छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया, ये आपका 29वां क्वेश्चन है। यानी कि 29 क्वेश्चन पढ़ना, इसी में सबका टोटल आएगा। ठीक है, इसके बाद आपको बताते हैं कि जो निबंध है, निबंध किस पर आएगा वो भी आपको दिखा दे रहे हैं फटाफट। जरा सा और कुछ थोड़ा सा सेकेंड बुक से क्वेश्चन क्या है कि देखो, आएगा रंगप्पा कौन था, मंगामा से क्या चाहता था, उसके बाद बहू ने सास मारने के लिए कौन से तरीका अपनाया, दूसरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि माँ मंगू के स्थान में भर्ती क्यों नहीं कराना चाहती थी। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि सीता अपने घर में क्यों घुटन महसूस कर रही थी, ये 5 ने याद करना है। अगला क्वेश्चन है इसमें है कि पापत्ती कौन थी, ये क्वेश्चन नहीं, बस क्वेश्चन आपको याद करना है इसमें, सेकंड में ज़्यादा नहीं, 10वां क्वेश्चन आपको नहीं याद करना है, जो ठीक पता है वही क्वेश्चन। उसके बाद चलो आपका दिखाते हैं जरा से इसमें आपको आपको याद कि हाँ यहाँ पर देखो कौन कौन आपके एग्जाम में आ सकता है। आपके एग्जाम में यहाँ से आएगा छात्र और अनुशासन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, समय का महत्व। उसके बाद प्यारे प्रदूषण, बेरोजगारी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बेरोजगारी। उसके बाद खेल का महत्व,
खेल का महत्व। उसके बाद कोरोना वायरस, कोरोना वायरस ठीक है ना, कोरोना वायरस ये भी इम्पोर्टेंट है, कोरोना वायरस। तो इतना ही आप देख लीजिए जितना ट्रिक करे हैं। उसके बाद कंप्यूटर भी जितना, हालांकि 13 ही देख लीजिएगा, आपको 14 को देख लेना है, 14 को खेल के महत्व के बारे में देख रहे हैं कौन सा, खेल के महत्व के बारे में देख रहे हैं कौन सा एक ठो, तो कोरोना वायरस ठीक है। अब देखो पत्र लेखन में कौन कौन सी आता है, पत्र लेखन में आपका आता है कौन सा, तो वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में पिता के पास पत्र लिखना है। ये बताए हैं पत्र लिखने के लिए, वीडियो अपलोड हो गया है उसको जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद बिजली की संकट की परेशानियों के संबंध में दैनिक समाचार पत्र के संपादक के पास पत्र लिखे, मतलब कि एक मीडिया के पास पत्र लिखना है। उसके बाद 4 दिनों की छुट्टी के लिए, स्कूल फीस माफ़ करिए, बड़े भाई की शादी के संबंध में प्रधानाध्यापक को पत्र लिखे, ये भी बता दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। पटना राजगीर की भ्रमण करते हुए अपने मित्र के पास पत्र लिखना है ठीक है ना। तब पत्र सबके सबको बता दिएगा पत्र कैसे लिखना है, तो पत्र लिखने का वीडियो अपलोड हो चुका है ठीक है, उसको जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, संवाद में, संवाद में क्या होता है, तो दो छात्रों के बीच संवाद करना है। दो छात्रों के बीच ये संवाद हो कि बेरोजगारी कैसे बढ़ रही है, उसको कम कैसे किया जाए, या फिर देश में बढ़ते बेरोजगारी के दो छात्रों के संवाद करें। देखो यहाँ पर संवाद हमारे 5 संवाद है, 5 संवाद में से 1 संवाद आएंगे ही आएंगे ठीक है। तो हमने पूरा आपको लॉन्ग क्वेश्चन बता दिया, और ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो जाइए टेलीग्राम पर राहुल टी सर्च कीजिए, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए और इसको डाउनलोड कर लीजिए ठीक है। इतना कर लेंगे आपका हिंदी में लिखित में आपका 50 से 50 आ जाएगा ठीक है ना, घबराना नहीं है।